हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही है आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। आज होने वाला है पार्ट 3, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एंड्रॉइड की पेड सेंसी। और जो भी एंड्रॉइड की सेटिंग और एप्स दिखाने वाला हूं मैं इस वीडियो में, वो मैंने खुद भी ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और उसमें से काफी जो है वो हेल्पफुल है। उससे थोड़ा सा हेल्प मिलता है हेडशॉट मारने में, और काफी ऐसी भी है उससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बताइए, कुछ भी बताया गया है। और मैं तो आपको सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, जो भी अच्छी चलती है, जो भी नहीं चलती है, अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। और आप लोग सारी सेटिंग ट्राई कर सकते हो, शायद जो मेरे में अच्छी नहीं चले वो आप में चल जाए, ऐसी बात हो सकती है। तो चलो फटाफट से जाते हैं सेटिंग की ओर, देखते हैं पहली सेटिंग क्या है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए सारी एंड्रॉइड सेटिंग की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सारी सेंसी चाहिए तो मेरे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी। और हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपको डिस्कॉर्ड से चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैं ये आपको वीडियो में वैसे ही बताने ही वाला हूँ। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके फोन में स्टोर्ड रहे, मेरे को सारे वीडियोस मेरे फोन के अंदर चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बंदों ने लास्ट वीडियो में मेरे को बोला था कि अगर आपको पे करने का ऑप्शन है तो बता दो, मैं पे कर देता हूँ। क्योंकि जो ये बाहर के सेंसी लोग ये सेल करते हैं, वो लोग पेपाल यूज करते हैं, और यहाँ पे पेपाल बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं मेरे को खरीदना, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मेरे को ही पे कर सकते हो, मेरे पास UPI है। तो अगर आपको खरीदना है और आपको पे करना है तो आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। और वैसे भी अगर पे नहीं करना है तो फ्री में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ये वीडियो में, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट फोल्डर चेकआउट करते हैं और देखते हैं उसके अंदर कौन सी सेटिंग है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ है वो पोर्टुगीज में ही है, क्योंकि ये ब्राजीलियन सेटिंग है तो उनकी लैंग्वेज में ही होगी। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी। देखते क्या क्या सेटिंग की है। तो भी ये शायद कस्टम हुड की सेटिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो वो बंदा बता रहा है वो भी ऑलमोस्ट वो लैंग्वेज वो पोर्टुगीज ही है। फिर अभी सेकंड फोल्डर देखते हैं, ये बैक ट्रैक का है, ठीक है। देखते हैं इसमें भी क्या बताया है। बैक ट्रैप मतलब वो चीज़ है जो आप लोग स्कोप खुल के ओनली रेड नंबर मारते हो UMP से या फिर स्कार से। ये स्कार से मार रहा है अभी, UMP से भी बैक ट्रैक होता है। बैक ट्रैक का मतलब यही है कि अगर स्कोप खुल के डायरेक्ट रेड नंबर 3-4 हेडशॉट मारते हो ड्रैग करके, उसको बोलते हैं बैक ट्रैक। अभी कैसे करना है वो बता रहा है, पर हमको उसकी लैंग्वेज आती नहीं तो हमको पता नहीं कैसे करना है। बट ये वही बता रहा है कि कैसे बैक ट्रैक होता है। बट यहाँ पे स्क्रीन पे उसने कुछ लिखा विखा नहीं है या फिर कोई गाइडेंस नहीं, तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या बता रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं वीडियो, उसमें शायद कुछ बताया उसने। वो सेकेंड भी बैक ट्रैक का ही वीडियो है तो उसका देख लेते, उसमें अगर ट्यूटोरियल दिया हो तो। इसमें लिखा तो है स्क्रीन पे बट उसकी लैंग्वेज में, तो भी समझने का ट्राई करते देखते। अगर आपको समझ में आता तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर किसी को समझ में आता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट अगर समझ में आया तो आप बता सकते हो कमेंट में, तो किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। और ये वापस से वही क्लिप दिखा रहा है। और यहाँ पे इस बार इसने ट्यूटोरियल दिया है, थोड़ा सा लिखा है टेक्स्ट स्क्रीन पे, बट उसकी लैंग्वेज में लिखा है तो पता नहीं चल रहा क्या लिखना चाह रहा है या फिर क्या बताना चाह रहा है बंदा। तो अगर किसी को पता चल रहा है और किसी को यहाँ पे आता है कि पोर्टुगीज में ये लिखा है, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, मैं पिन कमेंट उस पर लगा दूंगा जिसकी भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी। तो बैक ट्रैक पे तो इतना फायदा हमको नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर थी। अभी देखते हैं अल्ट्रा हेडशॉट में क्या है, इसमें कुछ पता चलता है या फिर नहीं। अल्ट्रा हेडशॉट मतलब ओनली रेड नंबर, शायद ये कहना चाहता है बंदा। ट्यूटोरियल किधर है? अच्छा ये रहा। तो ये शायद बोल रहा है कि हेड के ऊपर एम रखना है, जब वाइट होता है, वाइट एम होता है तब रखना है और फिर नीचे ड्रैग करना है, शायद से ये बंदा वही बोलना चाहता है। और यहाँ पे शायद फायर बटन का पोजीशन बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये बंदा ये बताना चाह रहा है कि फायर बटन जितना हो सके उतना नीचे रखो तो आपको यहाँ पे जगह मिलेगी स्क्रोल करने की, सबसे ज़्यादा जगह यहाँ पे स्क्रोल करने की मिलेगी। तो जितना हो सके उतना फायर बटन नीचे रखो, ठीक है, और उसके बाद आपको ड्रैग करना है, ठीक है। चलो सही है। और यहाँ पे कैसे ड्रैग करना है वो भी बता रहा है कि पहले आपको थोड़ा सा नीचे करना है फायर बटन, उसके बाद ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है। मतलब ड्रैग डाउन के बाद ड्रैग अप करना है, ये मेथड से मारना है। ओके ठीक है, ये सब जो फोन पे खेलते हैं वो लोग टेस्ट कर सकते हो। मैंने तो किया है, ठीक है, ये सब मैंने टेस्ट किया है, बट मैं फोन पे इतना अच्छा नहीं खेलता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जो फोन पे अच्छा खेलते हैं वो टेस्ट करके मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि ये हेल्पफुल आपके लिए था कि नहीं, ठीक है। फायर बटन कहाँ रखना है, एकदम नीचे फायर बटन रखना है, फिर ड्रैग डाउन और ड्रैग अप करना है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो UMP की ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं UMP ट्रिक को अपने को हेल्प मिलती है कि नहीं।
तो ये जो सेटिंग है वो टॉक बैक की सेटिंग है और ये पोर्टुगीज लैंग्वेज में ही है। तो आप लोग भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड सेटिंग में जाके, लैंग्वेज सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हो पोर्टुगीज। तो यहाँ पे जो बंदा वो कर रहा है वो सेम टू सेम आप में हो जाएगा। तो ये टॉक बैक की जो सेटिंग है वो तो मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना के एक्सप्लेन की थी कि क्या क्या होता है टॉक बैक अंदर। अगर आपको इसमें पता नहीं चल रहा कि क्या क्या सेटिंग कर रहा है तो मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा टॉक बैक की सेटिंग। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टॉक बैक कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होती है जिससे आपको हेडशॉट में हेल्प मिलेगी। तो वो लास्ट में आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन पे। तो ये तो टॉक बैक की सेटिंग थी। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की देखते हैं। एपी के फेक लैग, ठीक है, सेट एडिट, चलो ये इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या होता है। दोनों इंस्टॉल कर लेते हैं, ये प्रीमियम वाला भी कर लेते हैं, एल्डर वाला भी कर लेते हैं, और देखते हैं कि भाई क्या ऐप में यहाँ पे छुपा रखा है आपने। इंस्टॉल फेल्ड, शायद MSI में ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो तो फिर तो अनइंस्टॉल कर लेते हैं। और जो सेकंड वाला है वो भी इंस्टॉल फेल्ड, मतलब यहाँ पे AP के अच्छे से इन्होंने शायद से नहीं दिए, क्योंकि 110 KB और 100 KB की ही एप्लीकेशन है, तो शायद से एप्लीकेशन सही से इंस्टॉल यहाँ पे नहीं दिया उन लोगों ने। तो दूसरा देख लेते हैं, टॉक बैक वाला, ये इंस्टॉल करके देखते हैं। टॉक बैक वाला इंस्टॉल हो रहा है बट ये भी शायद सही से नहीं दिया इन लोगों ने, तो ये भी इंस्टॉल नहीं होगा। बट टॉक बैक वाला तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पे भी आप लोग टॉक बैक लिखोगे तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वाला जो आइकॉन है वो आ जाएगा ब्लू कलर का, वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद थर्ड देखते हैं, iOS प्रीमियम, चलो ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रहा टेला iOS प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, उसके बाद जो ऐप है वो आपको बता देगा कि सबसे बेस्ट DPI कौन सी आपके लिए हेडशॉट मारने के लिए। तो यहाँ पे मेरा रिजोल्यूशन स्क्रीन का है वो डाल देता हूँ, जो कि है 1920x1080। फिर यहाँ पे ऊपर डिवाइस लिस्ट पे जाना है, आपका डिवाइस यहाँ पे ढूंढना है और सिलेक्ट करना है। मेरा डिवाइस यहाँ पे देख सकते हो, योर डिवाइस लिखा हुआ आ गया है, तो सिर्फ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे स्क्रीन साइज भी आ गया है, और यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो मेरी DPI जो रेकमेंडेड है वो आ गई है। तो यहाँ पे 480 DPI मुझे रखनी है सबसे बेस्ट हेडशॉट मारने के लिए। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो अपने खुद के फ़ोन के साथ, खुद के डिवाइस के साथ। तो ये ऐप आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कुछ हैक का कुछ इश्यू नहीं है। तो ये यूज़ करना तो आप लोग ले सकते हो मेरे डिस्कॉर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा FPS करके एक ऐप है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते क्या है। तो यहाँ पे गेम बूस्टर के नाम से ऐप है ये, 144 FPS, और भाई ये तो बिल्कुल बकवास ऐप है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे ये क्लीनर है, जो यहाँ पे रैम क्लीनर आता है जो ऐप्स आते हैं वही है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट बूस्टिंग करेंगे तो ये तीन जो ऐप है उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा, ठीक है, कुछ है नहीं खास। तो ये अल्ट्रा FPS खाली नाम रखा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, बकवास ऐप है ये। तो दूसरा देख लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ें एकदम बकवास दे रखी इन लोगों ने। यहाँ पे सेकंड फोल्डर में देखते तो ये भी सारे क्लीनर ऐप्स है, मतलब ये भी फालतू चीज़ है सब कुछ। यहाँ पे देखते ये सब क्या है, ये इंस्टॉल करके देखते पहले, और इसका शायद ट्यूटोरियल भी दिया हुआ था, ये भी देख लेते हैं। गेम टर्बो, ये भी कुछ काम नहीं आएगा, जो गेम टर्बो रैम क्लीनर वो सारी ऐप्स आते हैं उससे कुछ काम नहीं होता, उससे ऊपर से आपकी रैम बढ़ जाएगी, जो आपको कम करना है यूसेज वो बढ़ जाता है ऊपर से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करने को बोल रहा है बंदा, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऐप इंस्टॉल किया उसमें से ही चेंज करना है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे चेंज करना है। तो हम लोग देखते हैं हमारा ऐप ओपन करके, ये रहा ऐप MIUI, ओके। और यहाँ पे जो MIUI परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि मेरा MIUI का डिवाइस नहीं, मैंने ASUS का रखा हुआ है, तो जिसका यहाँ पे MIUI का डिवाइस है उस पर ये चीज़ चलेगी, ठीक है। एरर आ गया, देख लो का आप देख सकते हो। और ये मोस्ट ऑफ जो चीज़ें वो सारे FPS बढ़ाने के लिए, तो मेरे FPS पहले से ही अच्छे थे, मेरे में लैग दिखता ही नहीं, तो मेरे को पता नहीं चलेगा ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो ये जिसमें लैग करता है थोड़ा सा गेम प्ले, जैसे 40-50 FPS आता है, उनके लिए ये सब कुछ है। और ये सब कुछ बहुत रिस्की है, जैसे ये CPU का स्पीड बढ़ाने को बोल रहा है, ओवरक्लॉक करने को बोल रहा है, ये सब कुछ बहुत ही रिस्की है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, कुछ भी उल्टा सीधा टिक कर दिया यहाँ पे और सेटिंग कर दी, तो आपका CPU उड़ जाएगा या फिर आपका फ़ोन हीटअप हो जाएगा, फ़ोन बिगड़ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, ये बहुत रिस्की, अगर आपको नॉलेज हो तभी करना, ठीक है, उसके बिना ये सब चीज़ें मत करना। ये भी है मैक्स पावर, मैक्स सेव्ड, ठीक है। यहाँ भी अगर आप मैक्स कर दे तो 100% परफॉर्मेंस कर देते हो, तो फ़ोन बहुत ही हीटअप हो जाएगा, ठीक है, बैटरी भी बहुत जाएगी, हीटअप भी बहुत होगा, और शायद आपका फ़ोन उड़ भी जाए, आपका डेटा उड़ भी जाए, ठीक है।
ये सारी चीजें उसके लिए ही है, तो मैं ये सब इंस्टॉल नहीं करने वाला क्योंकि मेरा तो भाई बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, 90 FPS आता है, तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा ये यूजफुल है कि नहीं, इससे FPS बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। और हाँ, ये मैंने पैक देखा था पहले, इसमें ये बंदे ने ये पैक में खाली पता नहीं अपना गेम प्ले ही बताया सब में, ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो में तो अपने गेम प्ले ही बताया, इसने सेटिंग बताया नहीं है, तो मेरे को पता नहीं ये पैक में उसने क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इसने पूरा अपना फायर बटन दिखाया कैसे मैं फायर बटन से मारता हूं बस, और फिर गेम प्ले दिखाया, इसमें भी सेम है। तो ये वाला पैक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर देख लेते हैं, आपको चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आपको अगर कुछ हेल्पफुल इसमें दिखता है तो आप लोग देख सकते हो, मेरे को बिल्कुल हेल्पफुल नहीं लगा ये वाला जो पैक है ना, एकदम सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए पता नहीं कौन पे करेगा, मैं तो बिल्कुल ना करूँगा। ये भी ऑप्टिमाइजेशन का ही है, और ये टॉक बैक की सेटिंग है, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ये वाला जो सेटिंग है वो टॉक बैक की है, और सब दूसरी है ये डेवलपर ऑप्शन की है, ग्राफिक्स ड्राइवर और सब कुछ, ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने सारी दिखा दी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग और ट्राई कर सकते हो। फिर और क्या है, सेंसी है, सेंसिटिविटी, ये भी दूसरी लैंग्वेज में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे देख, चलो गूगल में चलते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं और दिखा देता हूँ ये इसने क्या समझाया है यहाँ, तो गूगल पे आ गए, पेस्ट कर देते हैं सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेटेड पेड्रिक सेंसिटिविटी DPI 750 जनरल 99 रेड डॉट 99 4x 2x, आपको रखना है योर चॉइस, मतलब आपको रखना है जो भी रख सकते हो। बटन साइज जो फायर बटन साइज होता है वो 45 और 55, और योर चॉइस पॉइंटर कर्सर स्पीड, जो कर्सर स्पीड होती है आपको पता होगा एंड्रॉइड में, वो हाफ रखनी है, ठीक है, वो हाफ रखनी है। उसके बाद टॉक बैक की सेटिंग है, ये भी आपको दिखा दो, स्क्रीनशॉट है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, वो भी दूसरी लैंग्वेज में, पोर्टुगीज में। फिर ये क्या है, अच्छा ये भी यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मोटोरोला में नो हैंड 12 रखना है, LG में मैक्सिमम रखना है, और सैमसंग में जो है वो नेक्स्ट टू लास्ट रखना है। तो यहाँ पे वहाँ पे तो फ़ोन LG का और मोटोरोला के चलते हैं, यहाँ पे तो कोई यूज़ ही नहीं करता, मेरे को नहीं पता कोई यूज़ करता होगा, सैमसंग के करते तो सैमसंग का कर्सर स्पीड वो बोल रहा है कि सेकंड लास्ट रखना है, ठीक है, तो वो आप लोग को हेल्पफुल थोड़ा सा होगा। उसके बाद यहाँ पे बैक कर लेते हैं और देखते हैं और क्या सेटिंग है, प्रिसीजो ट्रिक अल्ट्रा, ठीक है भाई देख लेते हैं, नाम तो बढ़िया बढ़िया रखते हैं, बट भाई ट्रिक में इतनी मज़ा नहीं आया अभी तक, दो तीन जो चीज़ें थी वही अच्छी थी, हेल्पफुल थी, और तो भाई मेरे को कुछ इतना हेल्पफुल लगा नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये भी टॉक बैक की सेटिंग है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ जो भी वो बंदा कर रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा कि हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ इसने जो भी किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें इसे कर रखी, इससे हेल्प होती है कि नहीं वो तो दूसरा टॉपिक है, मेरे को नहीं पता, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो। फिर अल्ट्रा FPS प्रीमियम, ठीक है, हाइबरनेटर प्रीमियम, ओके देख लेते हैं, ये भी वही है, हाइबरनेटर प्रीमियम मतलब वही है, जो एप्स चालू होता है बैकग्राउंड में उसको रैम क्लियर करके देता है, तो आपका थोड़ा सा FPS बढ़ जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होता, आपको पता होगा जिसने इंस्टॉल कर रखा होगा ऐसे ऐप्स जिससे रैम क्लियर आता है, गेम बूस्टर आता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये भी यही है, इसका खाली नाम रखा हुआ है प्रीमियम, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नाम रखने से होता तो क्या ही बात होती। फिर यहाँ पे दो बेस APK है, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हो गया एक, और इसको भी कर लेते हैं, ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज है जो बेस APK में, वो है एंड रेज एडिट, ठीक है, देख लेते हैं भाई, ये तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि ये सेटिंग है कोई टाइप की भी। यहाँ पे सेंसिटिविटी मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे DPI यूज़ करनी है, यस ब्रो हमको करनी है, सिम मतलब यस है, और यहाँ पे DPI कितनी इंक्रीज करनी है, +600 कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पे रेड डॉट 2x 4x स्कोप का यहाँ पे सेंसिटिविटी है वो है, ठीक है, तो भाई मैं तो इसको तो मैं फेयर नहीं मानता, ठीक है, मेरे को लगता नहीं, ये तो थोड़ा डाउटफुल है, इससे तो आपकी ID बैन भी हो सकती है, तो ये चीज़ मैं नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि रेजिडिट यहाँ पे फ़ोन पे आता ही नहीं है, जिसने मेरी वीडियो देखी उनको पता है कि रेजिडिट जो भी फ़ोन में आता है वो हैक में ही आता है, और वो रियल रेजिडिट नहीं होता, तो ये मैं आपको नहीं देने वाला, अगर आप पे करोगे फिर भी मैं नहीं देने वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ये हैक है या नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हैक है ये, इसलिए मैं आपको नहीं देने वाला। यहाँ पे टच रिपेयर वाला है, तो इससे तो पता नहीं भाई टच रिपेयर का इसमें क्यों ऐप डाला है, टच रिपेयर से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं फ्री फायर का, फिर भी भाई डाला है तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिस्पांस टाइम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे टैप करना है बस, तो ये तो मैं दे सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मुझे पता नहीं भाई टच स्क्रीन रिपेयर वाला जो यहाँ पे ऐप है वो इसमें क्यों डाला हुआ है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये दे दूंगा, बट वो एंड रेजिडिट वाला जो ऐप है वो आपको नहीं दूंगा, ठीक है,
तो ये बस हो गए। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा है, सारे फोल्डर सारे ऐप आपको मैंने दिखा दिए, तो मैंने सारे फोल्डर्स आपको एक एक खोल के दिखा दिए, कुछ भी चीज़ बाकी नहीं है। और आपको ये सब चीज़ें आपके फ़ोन में चाहिए, डाउनलोड करनी है, लिंक चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको टॉकबैक की जो सेटिंग थी मैंने जो बोला था वीडियो मैंने बना रखी है, वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। अगर आपको वो जानना है टॉकबैक कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे उससे हेडशॉट अच्छे मारते हैं, तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और भी मेरे पास थोड़ी सी सेटिंग है फ़ोन की, चीज़ें हैं जिसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10,000 लाइक्स, तो मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा और एक वीडियो लेके आऊँगा फ़ोन की सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट से 10,000 लाइक्स कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।